और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है। वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड अपने नाम किया है। अपने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर स्कोर किया। इतनी दूरी का उन्होंने भाला जो है वो फेंका। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रचा है नीरज चोपड़ा ने, गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। पहले भारतीय बन गए नीरज चोपड़ा जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रोअर में। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है वर्ल्ड एथलेटिक्स में। दरअसल गोल्ड मेडल अपने नाम किया है नीरज चोपड़ा ने, और देखिए किस तरीके से उनके घर पर जश्न मनाया गया है। दूसरे प्रयास में बताया जा रहा है कि 88.17 मीटर दूर भाला जो है वो नीरज चोपड़ा ने फेंका। वर्ल्ड चैंपियनशिप थी और हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया है। आप लोग कवरेज कर रहे हैं, रात के 1:15 बजे तक भी सारा गांव सारा देश जाग रहा था। माहौल तो आप जानते ही कैसा होगा, पूरा देश खुशियां मना रहा है और पूरे देशवासियों की दुआएं थी, सबको आशा थी, उम्मीद थी, और नीरज उन उम्मीदों पर खरा उतरा, देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। आगे की रणनीति, अभी तो उसके और भी मैच हैं, डायमंड लीग का फाइनल खेलना उसे, और एशियन गेम्स हैं चाइना में, तो उसका 2023 के अक्टूबर नवंबर तक तो उसका पूरा बिजी शेड्यूल है। तो आगे की रूपरेखा बात करेंगे जब नीरज इंडिया आएगा, तो बैठ के बात करके आगे की रूपरेखा बनाएंगे। तो किस तरीके से नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा ये आपको बता दें, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। पहला थ्रो जो उन्होंने फेंका था जो वो फाउल रहा है, उसके बाद दूसरा थ्रो जो उन्होंने फेंका वो 88.17 मीटर का रहा, और इसी ने कह सकते हैं कि नीरज चोपड़ा को गोल्ड दिलाया। तीसरा थ्रो जो उनका था वो 86.32 मीटर रहा। चौथा थ्रो जो उन्होंने किया वो 84.64 मीटर। पांचवा थ्रो उनका जो था 87.73 मीटर पर रहा। वहीं छठा थ्रो की बात करें तो 83.98 मीटर उन्होंने थ्रो किया, और इसके बाद नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जो है वो अपने नाम किया है। भारत के लिए गौरवान्वित होने वाला पल जब नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड अपने नाम किया। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए टाइम्स नाउ। नभ भारत